और बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जिस इलाके में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों को घेरा गया, यहां दो और आतंकियों की जानकारी मिली है। और यहां पर बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा के दो और आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद आज सुबह से ये ऑपरेशन फिर एक बार शुरू कर दिया गया है। अभी इस वक्त पंचकुला में हम यहाँ मौजूद हैं। इसी ऑपरेशन की अगुवाई करते हुए कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए और आज उनके परिजनों में शोक व्याप्त है। यहाँ तमाम आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही ब्रिगेडियर नायर भी मिलने के लिए यहाँ परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि एक बार फिर से ये ऑपरेशन अब और तेज़ कर दिया गया है, क्योंकि जिस आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी आर्मी को मिली थी उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के ज्वाइंट ऑपरेशन की शुरुआत की गई थी, जिसमें कि आतंकी ढेर हुए। लेकिन दो और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली है और एक बार फिर ये ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया है। अनंतनाग में जिस तरीके से ये ऑपरेशन तेज़ किया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में आर्मी ने ये स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें कर्नल मनप्रीत शहीद हो गए थे। और आज पंचकुला में जहाँ उनके परिजनों को सांत्वना देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स पहुँच रहे हैं। लेकिन ख़ास बात ये कि अनंतनाग में आतंकियों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया गया है। कल देर रात अंधेरा होने के बाद ये ऑपरेशन रोक दिया गया था और आज सुबह एक बार फिर से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है अनंतनाग के गडोली इलाके में, जहां पर जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी का। मुठभेड़ में सेना के 3 ऑफिसर शहीद हो गए थे। 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर खुद अगुवाई कर रहे थे इस ऑपरेशन की और ये शहीद हुए हैं। और अब बताया ये जा रहा है कि आज शाम तक उनका पार्थिव शरीर यहाँ घर पहुँच सकता है। लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद जिस तरीके से एक ऐसे दुर्गम इलाके में आतंकियों की मौजूदगी अनंतनाग में थी, वहाँ पर बेहद साहसिक पूर्ण से कर्नल मनप्रीत ने खुद अपनी टीम की अगुवाई करते हुए लोहा लिया आतंकियों से और उनका सामना किया, उसमें वो शहीद हो गए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस तरीके से और इसके पहले भी कई आतंकियों को वो मौत के घाट उतार चुके थे। सेना मेडल उन्हें मिल चुका था, उनके इसी साहसिक काम के लिए सेना ने उन्हें सम्मानित भी किया था। लेकिन परिवार के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि कल सुबह ही परिवार के लोगों से उनकी फ़ोन पर बातचीत हुई थी और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि एक स्पेशल ऑपरेशन के लिए वो यहाँ से निकल रहे हैं अपने साथियों के साथ। लेकिन फ़ोन पर जिस तरीके से बातचीत हुई थी, परिवार के लोगों को ये नहीं पता था कि फ़ोन के ज़रिए जिनकी आवाज़ सुन रहे हैं उनका तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर ही अब इस घर लौटने वाला है। 2 साल की एक छोटी बच्ची है, 7 साल का एक बेटा है यहीं पर, जबकि पंचकुला में उनका परिवार यहाँ पर इस वक्त मौजूद। उनकी पत्नी जब यहाँ जॉब करती थी मोहाली के अपने पैतृक गांव को छोड़कर, वो इसी जगह और यहाँ पर अब मिलने जुलने वाले लोग लगातार आते चले जा रहे हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त अनंतनाग से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, अभी अब इस ऑपरेशन के बारे में क्या ताज़ा जानकारी मिल पा रही है और शहीद कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर क्या अब नीचे लाया जा चुका है? जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल बॉडीज़ रिट्रीव की गई हैं और मैं आपको बता दूं ऑपरेशन तेज़ कर दिया गया। अभी हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे हर तरफ से मूवमेंट थी। मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा जो हमारे दर्शक हैं, बिल्कुल यही स्पॉट है जहाँ पे बॉडीज़ भी रिट्रीव की गई और जहाँ पे ये फायरिंग हुई। जो आप कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये बिल्कुल वही स्पॉट है जहाँ पे फायरिंग हुई, जहाँ पे बॉडीज़ रिट्रीव की गई। माउंटेन आप देख सकते हैं किस तरीके का टफ टेरेन है। वहाँ पे जब सुरक्षा बलों को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। लेकिन जब कर्नल मनप्रीत और उसके साथ मेजर और साथ ही DSP जो पुलिस के थे हुमायूं भट्ट, वो जब यहां पे पहुंचे तो मिलिटेंटों ने अंधाधुंध फायरिंग किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक एम्बुश लगाया था और वो पूरा ट्रैक कर रहे थे उनकी मूवमेंट, और वहां पे फिर बॉडीज रिट्रीव करना काफी मुश्किल हो रहा था या उनको जख्मी हालत में इवैक्यूएट करना मुश्किल हो रहा था। अगर ये फॉरेस्ट एरिया नहीं होता तो शायद उनको टाइम पे इवैक्यूएट किया जा सकता था और उनकी जान बच सकती थी। लेकिन चूंकि ब्लड लॉस बहुत हो जाता है और वहां से क्विकली 1 घंटे या 2 घंटे में इवैक्यूएट करना नामुमकिन था। हालांकि हेलीकॉप्टर्स लाए गए लेकिन वहां पे हेलीकॉप्टर कहीं लैंड भी नहीं कर सकता था। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि पूरा आपको वाइड एंगल से भी दिखाएं किस तरीके का ये माउंटेन है। छोटी सी पहाड़ी है और हम उसके नीचे दामन पे हैं और यहां पर ही ये सारा ऑपरेशन चला। अभी हमने देखा कि यहां पर माउंटेनियर्स जो हैं, हाउस जो है हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल, वहां से माउंटेनियर्स को लाया गया था बॉडीज रिट्रीव करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और जो भी आर्मी के सोल्जर्स यहां सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं उनको रोप्स के जरिए आगे इसको क्रॉस करना पड़ रहा है इस एरिया को, क्योंकि थोड़ा सा
सा रास्ता ऊपर है और वहां पर ही फायरिंग हुई है। ऐसा लगता है कि वहां से ये जो जख्मी हालत में कर्नल, मेजर और डीएसपी नीचे चले गए हैं, उसी वजह से उनकी जो बॉडीज हैं बिल्कुल इन फॉरेस्ट्स में मिली और ये जो पेड़ लगे हैं इन्हीं पेड़ों के बीच में बॉडीज रिट्रीव कर दी गई। आज भी बॉडी मॉर्निंग में रिट्रीव कर दी। और ये पूरा जो एरिया है मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो आप पूरा प्रशांत एरिया देख रहे हैं हमारे दर्शक, उनको मैं बताना चाहूंगा इस पूरे माउंटेन्स एरिया में इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, यानी चप्पे चप्पे पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है, स्नाइपर डॉग्स लगे हुए हैं और जो भी सपोर्ट है वो एडिशनल मिल रहा है। जो भी आर्मी के यहाँ पे यूनिट्स हैं वो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। पुलिस ने साफ कर दिया है कि दो एलईटी के मिलिटेंट्स को, जिसमें उजैर खान भी शामिल है, उजैर लोकल मिलिटेंट है, उनको घेरा गया है, उनको एनसर्कल किया गया है, मतलब इसी एरिया में वो हैं जिनको इर्द गिर्द घेराबंदी कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा डिफिकल्ट मसला ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं, पत्थर बड़े बड़े हैं, वो कहीं पे भी छुप सकते हैं और काफ़ी देर तक वहाँ पे रह सकते हैं जब तक उनके पास खाने पीने का सामान है या जब तक उनके पास एम्यूनेशन है। तो अभी हालांकि 4 बजे के करीब रात को फायरिंग हुई, उसके बाद अभी फायरिंग यहाँ पे नहीं सुनाई दी। लेकिन यही एरिया है, बिल्कुल हम ग्राउंड जीरो पे हैं, इतना ही एरिया है ये पहाड़ी का जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए हैं और इनको जीरो इन कर दिया गया है, इनको एनसर्कल कर दिया गया है। जो और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिफत आप दिखा रहे हैं देश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर, किस तरह से राजौरी और अनंतनाग दोनों इलाकों में ये स्पेशल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत, और राजौरी में अभी कुछ देर के लिए ये ऑपरेशन रुका हुआ है लेकिन अनंतनाग में जारी है। अब यहाँ से पार्थिव शरीर शहीद का नीचे पहुँचा है, कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर भी नीचे लाया गया और ये तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्नल मनप्रीत जिस जगह पर शहीद हुए हैं, राजौरी और अनंतनाग दो इलाकों में ये ऑपरेशन। और यहाँ एक बार फिर से ये जानकारी मिली कि लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी अभी और यहाँ मौजूद हैं और इसीलिए ये ऑपरेशन एक बार फिर से तेज़ कर दिया गया है। एक जगह जहाँ ऑपरेशन थमा है, सर्च ऑपरेशन वहाँ पर जारी है, लेकिन अनंतनाग में एक बार फिर से ये ऑपरेशन तेज़ किया गया है क्योंकि बताया जा रहा है कि उदैर जो कि लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है ये यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए जिस आर्मी की टीम की अगुवाई कर रहे थे कर्नल मनप्रीत जो शहीद हुए हैं, इससे पहले भी कई ऐसे और आतंकियों को वो मौत के घाट उतार चुके हैं, अपनी टीम की अगुवाई कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में जॉइंट ऑपरेशन आर्मी का ये चल रहा था और अनंतनाग में जिस तरीके से आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी उसके बाद जिस तरह से अब एक बार फिर से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। रिफत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं जहाँ पर यह ऑपरेशन जारी है। रिफत, जिस तरह से आतंकी दो ढेर किए गए, कुछ की और मौजूदगी की जानकारी मिल पा रही है, क्या उनके बारे में अब तक डिटेल्स मिल पाई है? जी बिल्कुल, उजैर खान का नाम लिया है पुलिस ने और बताया है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उसके साथ में एक और एलईटी का मिलिटेंट है। क्या वो फॉरेन मिलिटेंट है, पाकिस्तानी मिलिटेंट है, अभी उस बारे में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिटेंटों का एक ग्रुप ज़रूर यहाँ पे इस एरिया में ऑपरेट कर रहा है क्योंकि कुलगाम में भी जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ था और उसमें भी आर्मी को जो है नुकसान पहुँचा, 3 आर्मी सोल्जर्स की जान उस ऑपरेशन में गई, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इन्हीं जंगली एरियाज़ में अब मिलिटेंट ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि जो बस्तियों में लगातार एनकाउंटर्स हो रहे थे, घरों में, मकानों में या ऑर्चर्ड्स में काफी सारे एनकाउंटर्स हो गए, काफी सारे मिलिटेंट मारे गए, लेकिन शायद अब मिलिटेंट जो है उन्होंने जंगलों का रुख किया, उस पार से अगर इन्फिल्ट्रेशन होती है तो मिलिटेंट जंगलों में ही रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो किसी भी बस्ती में चले गए तो वो फौरन जो है उनके खिलाफ एनकाउंटर किया जाएगा। तो फिर से मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, बिल्कुल यही वो एरिया है जहां पे ये सारा ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और उससे पहले भी इसी में मिलिटेंट जो है वह छुपे हुए थे और फाइनली यहां पे अभी ऑपरेशन में ये कहा गया कि दो एलईटी के मिलिटेंट जो है उनकी घेराबंदी कर दी गई, वो घेरे में फंसे हुए हैं। एनसर्कल वर्ड इस्तेमाल किया है पुलिस ने, कहा है कि दे हैव बीन एनसर्कल्ड, तो उसका मतलब है कि ऑपरेशन में अभी टाइम लग सकता है।